हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद शीतल। फ्रेंड्स, आज हम एक DIY 100 पीस आउल बनाने वाले हैं और ये बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है और इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये देखने में भी उतना ही सुंदर लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं और एक मास्किंग टेप ली है। मेरे कार्डबोर्ड ज़्यादा मोटे नहीं थे इसलिए मैंने 2 पीस लिए हैं। अगर आपका कार्डबोर्ड बहुत मोटा है तो आप 1 पीस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने एक सर्किल बनाया है। आप किसी भी प्लेट के मेजरमेंट से एक सर्किल बनाकर उसके ऊपर 2 कान बना सकते हैं। ये आसानी से ही बन जाएंगे। सर्किल का थोड़ा सा पोर्शन इरेज करके आपको ये 2 कान बनाने हैं। जब आप बनाने बैठेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 शेप मैंने बनाई है। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड जो लिया था वो अमेज़ोन की जो सामान की पैकिंग के साथ आता था वो ही लिया है। आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। इसके बाद हमें ये दोनों शेप को आसानी से काट लेना है कैंची की हेल्प से। आसानी से कट जाएंगे। उसके बाद हमें ये दोनों शेप आपस में चिपकानी है। लेकिन चिपकाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसमें ऊपर की साइड 1-1 होल करना है और नीचे भी 1-1 होल करना है। आसानी से ही कार्डबोर्ड में होल हो जाता है। मैंने तो पेंसिल की हेल्प से ही होल कर लिया था। आप चाहें तो सुई या कील से इसमें होल कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। उसके बाद हम इन दोनों शेप को फेविकॉल से, फेविगम से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इन दोनों को आपस में चिपका लें। थोड़ा सा प्रेस करके रखें जिससे कि आसानी से चिपक जाए। उसके बाद ही हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने मास्किंग टेप ली है और इसके चारों ओर मैं इसको लगा दूंगी। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप इसके जगह टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पानी और फेविकोल का 1 घोल बनाएं। टिश्यू पेपर को फाड़ फाड़ कर उस घोल में डिप कर कर इसके चारों ओर लगा दें। बहुत आसानी से ही ये काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको चारों ओर लगा लिया है। अब हमें इसकी आंखें बनानी है। उसके लिए आप कोई भी छोटी कटोरी, ग्लास या ढक्कन की हेल्प से 2 सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि दोनों का नीचे वाला लेवल सेम हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ 2 आंखें बना ली हैं। अब मैंने एक क्ले लिया है। ये मार्केट वाला ही क्ले है जिसको हम मोल्डेड क्ले कहते हैं। मैंने इसकी छोटी सी लोई बनाने के बाद छोटा सा एक रोल बना लिया है। हमें ये आंखों के ऊपर लगाना है तो ये उसी साइज़ का ही होना चाहिए। आप इसको बेलने के लिए बेलन का यूज़ कर सकते हैं और हमें इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो देखिए, मैंने इसको बेला और आंखों के ऊपर रखकर साइज़ को चेक कर लिया है। इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद मैंने नीचे फेविकोल लगाया और मैं इसके ऊपर इसको चिपका दूंगी। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितना आसान था। बिल्कुल भी मुश्किल हमें नहीं हुई है। इसी तरह हम दूसरी आंख भी बनाएंगे। आप चाहें तो जिससे ना चिपके टेलकम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। टेलकम पाउडर लगाने के बाद ये क्ले नहीं चिपकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ थोड़ी सी रोटी बेली, साइज़ का मेजरमेंट किया और इसको फेविकोल की हेल्प से चिपका लिया है। इस क्ले को आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये आसानी से ही आपके हैंड्स की हेल्प से ही मोल्ड हो जाती है। तो देखिए, अब मैंने छोटे छोटे 2 रोल अपने हाथ से ही बनाए हैं और इसको आँखों के सेंटर में रख दिया है। और इसको भी हम फेविकोल की हेल्प से चिपका सकते हैं या फिर ये डायरेक्टली ही चिपक जाएगी क्योंकि नीचे भी क्ले है और ये खुद भी क्ले का ही बना हुआ है। आंखें बनाने के लिए हमने 1 बड़ा सर्कल और 1 छोटा सर्कल, सिर्फ ये 2 शेप ही यूज़ की हैं। बहुत आसान था बनाना, ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं हुई है। इसके बाद हमें इसकी नोज़ बनानी है। हमने सेम 1 सर्कल बनाया। चाकू की हेल्प से हमने इसको थोड़ी सी शेप दे दी है। देखिए, हमने एक साइड इसको चोंच जैसा दे दिया है जो इसकी नोज़ बनेगी और फेविकोल की हेल्प से इसको चिपका देना है। जो चोंच है उसको हमने नीचे रखा है। देखा ना, अभी आपको ये फीलिंग आने लगी है कि ये आउल है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने एक फूल बनाया है 5 पेटल्स का। ये भी क्ले की हेल्प से ही बनाया है और इसको मैंने कुकी कटर की हेल्प से काटा है। आपके पास अगर वो नहीं है तो 5 पेटल्स को हाथ से बनाएं गोल गोल और उसके बाद आपस में इनको जोड़ दें। बीच में भी एक गोल सर्किल और फिर 5 पेटल्स बनाएं। इस तरह आसानी से आपका ये फूल रेडी हो जाएगा और हमें फेविकोल की हेल्प से ही इसको चिपका देना है। जब ये फूल चिपक जाएगा उसके बाद एक छोटा सा गोल और बना के हमें फूल के ऊपर रख देना है। ये अब तक हमने जितनी भी शेप दी हैं वो इसलिए दी हैं कि इस आउल में हमें 3D का इफेक्ट आए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे कलर करना है। सबसे पहले हम बेस कलर व्हाइट देंगे
मैंने यहाँ जैसो का यूज़ किया है, आपके पास वो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर कर सकते हैं। इसको सूखने के बाद ही हम नेक्स्ट कलर करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे का होल आप कलर से बिल्कुल भी ना छिपाएं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें रेड कलर किया है। आप जो चाहें जैसा कलर चाहें अपने मन के अनुसार वो कलर कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ सिंपली रेड कलर कर दिया है। आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, लाइट पर्पल भी कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो वो करें। लेकिन एक कलर कोट करने के बाद आपको दूसरा कोट करना ही पड़ेगा, इसलिए डबल कोट करें। एक कलर सूखने के बाद ही दूसरा कलर करें। और बाकी कलर भी मैंने आईज़ के लिए ब्लैक कलर किया है, वाइट को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, और नोज़ के लिए मैंने ऑरेंज कलर दिया है। आप चाहें तो स्काई ब्लू, जो भी आपके मन में है वो कलर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फूल को और बाकी शेप को भी मैंने यहाँ कलर कर दिया है। फूल के पास ही मैंने एक फिगर बनाई है और उसको भी अच्छे से कलर कर दिया है। आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब मैंने एक मोटा थ्रेड लिया है, उसके साथ ही मैंने कुछ कलरफुल बीड्स लिए हैं। अगर आपके पास बीड्स नहीं हैं तो इनको भी आप क्ले की हेल्प से बना सकते हैं। जब आप क्ले को गोल गोल रोल करें उसमें, तभी ही सुई या फिर कील की हेल्प से छेद करके उसके बाद उसमें कलर कर लें। बहुत आसान है बीड्स बनाना भी। देखिए ऊपर मैंने बीड्स डाल लिए हैं, नीचे मेरे पास घर पर ही एक बेल रखी हुई थी। आपके पास बेल नहीं है तो बीड्स ही डाल सकते हैं। देखिए बीड्स के बाद मैंने नीचे बेल डाल दी है। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, कोई बता ही नहीं सकता कि ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। वैसे भी फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर पर देखा होगा कि उन्होंने भी अपने ड्राइंग रूम में आउल को रखा हुआ है, क्योंकि इसको घर पर रखना अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे खुद अपने हाथ से बनाएं और अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेट करें। तो फ्रेंड्स बताइए देखने में ये कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।